ओम शांति। आज 22 जून 2023 प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने अजपा जाप जपने के लिए कहा कि दिल से सदा बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेंगी। यह सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं है, लेकिन अंदर में एक बाबा का ही सिमरन चलता रहे तो तन मन के सब कलह कलेश मिट जाएंगे। इसलिए गाते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। फिर कहा, बाबा कहते हैं कभी ऐसे नहीं कहना है कि मेरा मन नहीं लगता। बाबा कहते हैं तुम क्या कहते हो। बाबा को भूलने से ही यह हाल होता है। बाबा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सदा के लिए उलझन समाप्त हो जाएंगी। फिर कहा, सारी रात बाबा को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। तुम गाते आए हो बलि हार जाऊं। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो माम एकम याद करो ना। फिर कहा, बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम बच्चों को देने आया हूँ, इसलिए तुम बच्चे अपना सब कुछ सफल करते हो। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही मिलेंगी। यहाँ तुम बच्चे एक्सचेंज करते हो, पुराने के बदले नया लेते हो, यह लेन देन का हिसाब है। कहावत है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। फिर कहा, बाबा कहते हैं यह धन माल आदि सब कुछ धूल में मिल जाना है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को ट्रस्टी समझो, यह सब ईश्वर का दिया हुआ है। फिर जो ऐसे ट्रस्टी बच्चे हैं वह बाबा से पूछते हैं कि बाबा मोटर लो मकान बनाओ, तो बाबा कहते हैं भल मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो, परंतु कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेंगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। इसलिए गायन करते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन मन के। आज मुरली से प्रश्न है, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मन मुझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मुझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उलझन तब आती है जब रास्ता क्लियर नहीं दिखाई देता, इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो तो पुरुषार्थ का जीवन का रास्ता एकदम क्लियर दिखाई देगा। आज मुरली में गीत बजा, बनवारी रे जीने का सहारा तेरे नाम। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सहा करना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है, बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी के आगे माया झुकेंगी न कि झुकाएंगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाएंगी। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकी लधे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।